आजकल एक नारा बहुत सुना होगा आपने, हमें चाहिए आजादी। इस आजादी का मतलब क्या है? क्या एक आजाद मुल्क में आजादी मांगना जायज है? इस सवाल को गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि आजादी चाहिए तो किसको चाहिए और किससे चाहिए। क्या सही नहीं होगा अगर आजादी हम आतंकवाद से मांगे? नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। आज दिन की सबसे बड़ी बहस लेकर इसी सवाल के साथ चलिए शुरुआत करती हूं कि असल मायने में हमें आजादी किससे और क्यों चाहिए। आज असल मायने में हमें अगर आजादी चाहिए तो आतंकवाद से, जिसने वक्त के साथ साथ अपना दायरा और स्वरूप दोनों को बदला है। आज हमें आजादी चाहिए तो समाज में फैली बुराइयों से, उन कमियों से, उन कुरीतियों से जो इंसान की सोच को संकुचित कर देती है। चलिए अगले एक घंटे इसी पर हम बहस करेंगे। आजादी के नाम हमारी ये बहस होगी, लेकिन उससे पहले चलिए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। एक अजीब सा माहौल है। मुखालफत नागरिकता कानून की हो रही है, सवाल उस कानून पर उठाए जा रहे हैं जिसका नाम ही नागरिकता देना है, और विरोध का तरीका भी कमाल का है। नागरिकता के नाम पर आजादी की मांग, और इस भीड़ के जहन में आजादी का मतलब क्या है कौन जाने। लेकिन आजादी पर लगी इस आग के बीच चंद सुलगते सवाल भी हैं। सवाल ये कि क्या आजादी के नाम पर मनमर्जी की जा सकती है? आज सड़कों पर नागरिकता कानून को लेकर आजादी का शोर हो रहा है, लेकिन हकीकत में आज देश को आतंकवाद जैसे मुद्दों से आजाद करने की जरूरत है। आज भी आतंकवाद जैसे मुद्दों पर हर रोज सवाल उठते हैं। आज भी देश के दुश्मन देश को कमजोर करने के लिए साजिशें रच रहे हैं, और इसी आतंकवाद से आजादी के लिए लड़ने की जरूरत है। और इस लड़ाई में हमारी सेना ने कई बार अपने शौर्य का प्रदर्शन भी किया है। इसके उदाहरण उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक है, जब 28 सितंबर 2016 की रात को सेना ने पीओके में घुसकर 40 आतंकियों का सफाया कर दिया। ऐसा ही एक उदाहरण पुलवामा में 40 जवानों की शहादत के जवाब में भारतीय सेना ने दिया था, जब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया गया था और हमले में 200 से ज्यादा आतंकियों को खत्म किया गया। ऐसे कई उदाहरण हैं जब देश को आतंकवाद से आजाद रखने के लिए सेना ने अपनी जान की बाजी लगाई, लेकिन नागरिकता के नाम पर आज उस आजादी का सही इस्तेमाल हो रहा है, या आजादी के नाम पर हम कहीं भटक गए हैं? आज की चर्चा इसी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। तो आजादी के नाम पर आज हम चर्चा करेंगे कि सही मायने में हमें आजादी किनसे चाहिए। अपने मेहमानों के साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले आपको दिखाते हैं आतंकवाद से आजादी के लिए सरकार के काम पर आम जनता क्या सोचती है, उनकी राय क्या है। चंदौली से महेंद्र पटेल की ये रिपोर्ट देखिए। हम लोग जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनसे हम लोग बहुत संतुष्ट है। और जो आतंकवाद की बात है, आतंकवाद निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगा। आतंकवाद काफ़ी हद तक कम हुआ है। उन्होंने जो भी उन्होंने पिछले कुछ दिनों में ठोस कदम उठाए हैं, जैसे कि उन्होंने आधार कार्ड को लिंक कराया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उन्होंने काफ़ी हद तक सफलता पाई है, जिसमें आर्टिकल 370 को हटाना वो भी उनकी एक प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में हमें पूरी तरीके से आतंकवाद से निजात मिलेगा। आतंकवाद पे जो वो कार्य कर रहे हैं इस समय, तो बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा रहा है। और जगह जगह लोग NIA और STF वाले अपना रिपोर्टिंग भी दे रहे हैं। अभी एक हाल फिलहाल में पकड़ा गया बनारस से भी आतंकवादी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल के जो युवा हैं, इन सब गतिविधियों से दूर रहें
और आतंकवाद के खिलाफ मिलजुल के लड़े, ना कि उनके सहयोग करें। जिस तरह से वो अपना कार्य आगे भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, जहाँ तक मेरा भी विश्वास है, तो आतंकवाद तो जड़ से खत्म होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि अभी खत्म हुआ है, बट ये है कि खत्म होगा, निश्चित तौर पे खत्म होगा। तो सुना आपने, आम जनता की राय क्या है, क्या सोचती है कि आतंकवाद से सरकार निपटने में कितनी सक्षम है, आजादी कितनी मिली है हमें। चलिए अब अपने मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के लीडर कैप्टन आय सिंह इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस के लीडर मनोज तिवारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वहीं हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, क्योंकि आज आजादी की बात हो रही है और बात हो रही है आतंकवाद की, तो डिफेंस एक्सपर्ट आज पैनल में थोड़ा ज्यादा है हमारे साथ। रिटायर्ड कर्नल ओमवीर सिंह एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, रिटायर्ड कर्नल संतपाल राघव हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है, वहीं लेफ्टिनेंट जनरल पूर्व उपसेनाध्यक्ष गुरमीत सिंह हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है। साथ ही साथ एक स्काइप से हमारे साथ जुड़े हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, ये भी हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं, और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार हमारे साथ मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, कल देश जो है 71वां गणतंत्र सेलिब्रेट करने जा रहा है, तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं आजादी की भी, तो असल मायने में आजादी किस तरीके से चाहिए, क्या आतंकवाद से आजादी नहीं चाहिए, क्या हमें हमारी मांग नहीं होनी चाहिए, और आतंकवाद की जब हम बात करते हैं तो ये दो तरह के आतंकवाद हो जाएंगे, और भी अलग अलग विभिन्न स्वरूप पर भी हम बात करेंगे। एक तो हम बाहरी तौर पर कितना मजबूत हुए हैं, और दूसरा देश के भीतर की भी बात होगी कि हम आंतरिक तौर पर कितना मजबूत हैं। तो सबसे पहले तो आऊंगी सर आप ही के पास, रिटायर्ड कर्नल ओमवीर सिंह। सर, बात जब बॉर्डर की हो तो सेना, अगर पिछले 5 सालों में बात करें या कंपेयर करें जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ, किस तरीके से अभी तक सेना जो है सक्षम हुई है, कितनी मजबूत हुई है, हम कितने सक्षम हैं बाहरी आतंकवाद से निपटने के लिए, बॉर्डर पर हम कितने सक्षम हैं सर? देखिए श्वेता जी, ये जो हमें अभी कुछ समय लगा है, ये उस छूट का नतीजा है जो कि अब से 2 डिकेड पहले कश्मीर में दे दी गई थी, जबकि सेना को वहाँ से हटा लिया गया था और एक नरम पॉलिसी गवर्नमेंट की थी टेररिस्ट के खिलाफ, और उसने हालातों को इतना बिगाड़ा है देश में कि आज ये हालत हो गई कि हमको इतने साल और इतने सख्ती से जो है इस पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया जा सका। ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी जब से फौज को एक चीफ मिनिस्टर ने वहाँ से हटाने का प्रपोजल दिया था और हटा भी दी गई थी, तब से ये हालत इतनी ढीली पड़ती गई और हमारी सरकारें भी इतनी ढीली होती गई। अब कुछ साल पहले से जो सख्ती की गई है उससे हालात अब काबू में आ गए हैं, और जो भी बाकी जगह जो है अब देश में वही माहौल बन रहा है जो कुछ साल पहले कश्मीर में बना था। लोग एक एजेंडा के खिलाफ जो गलत चीज़ें हैं उनसे आज़ादी मांग रहे हैं। एक्चुअली हमें आज़ादी चाहिए इनडिसिप्लिन से, आज़ादी हमें चाहिए देश की प्रॉपर्टी को ख़राब ना करने से आज़ादी चाहिए हमको, जो बुराइयां हैं उनसे आज़ादी चाहिए, ना कि ये इन चीज़ों से आज़ादी। और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की नरम पॉलिसी की ही कवायद है कि अभी तक जो है हम इसका खामियाना गुजरना पड़ रहा है, लगा वरना कैसे कोई आदमी एक इस तरह से खड़ा होकर और देश के प्रति विद्रोह करे या जालसाजी करे या इस तरह के लेक्चर दे जिसको साफ मानों में देशद्रोह समझा जा सकता है। ये तो देश के भीतर की बात हो गई, लेकिन हम अगर बाहरी तौर पर देखें, संत पाल राघव जी आपसे जानना चाहूंगी, आज हम कितने सक्षम हैं आतंकवाद से निपटने के लिए? हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुई और हमने देखा कि सेना कितनी सशक्त हुई है, लेकिन अभी भी कितना हमें और मजबूत होना है, और अभी जिस पोजिशन पर है हम कितने सक्षम हैं सर? श्वेता जी, मैं पूरे देश और विश्व को बताना चाहता हूं, पर्यावरण के बाद आतंकवाद एक गंभीर समस्या और चुनौती है जी। हमारी सशस्त्र बल सेना काफी सक्षम है, और आपने हमें देखा है, पूरे देश ने देखा है, विश्व ने देखा है, पुलवामा में हमने उनको कितनी दूर पे जाके स्ट्राइक की, ये गवर्नमेंट की विल है। मैं ये पूरे देश को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सेना सक्षम है। इंडियन आर्मी इज द बेस्ट आर्मी इन ऑल स्फीयर, इवन
जो इंडियन पीस कीपिंग मिशन जाते हैं वहां के भी कमांडर जो है हमको सैल्यूट करते हैं, वी वैल्यू ह्यूमन राइट्स, वी डोंट, हम कलेक्टिव डैमेज नहीं करते और हम पिन पॉइंट आतंकियों को मारते हैं। हमारे पास जो फोर्स है, जो उरी का आपने देखा क्रॉस करके हम लोग गए, देर वॉज नो कैजुअलिटी ऑफ आवर ओन ट्रूप्स, ये एक दर्शाता है, पूरे विश्व को दर्शाता है कि प्रोफेशनल आर्मी है और हम सक्षम आर्मी है। गुरमीत सिंह, जो संतपाल राघव जी कह रहे हैं दो राय इसमें कोई नहीं है, लेकिन क्या ये पिछले दिनों या पिछले सालों में बात कर ले, जिस तरह से सेना को छूट दी गई उसके बाद का ये नतीजा हम देख रहे हैं, या सेना पहले से सक्षम थी लेकिन कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए थे, अब आजादी, जब आजादी की बात हो रही है कि आतंकवाद से हमें आजादी दे दो या हर तरह की आजादी की बात हो रही है, तो सेना को भी वो आजादी मिलनी चाहिए कि आतंकवाद से सख्ती से निपट सके। आप किसे मानते हैं, सेना तो पहले से वही सेना थी, तो क्या ये इच्छा शक्ति है? गुरमीत जी, श्वेता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैंने, मेरी 40 साल सेना की नौकरी है जिसमें से 10 साल कश्मीर में बताए हैं, मैं वहां पे कोर कमांडर का काम कर चुका हूं। ये हमारी सेना का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो है प्रोफेशनलिज्म, और ये जो देश को दिया हुआ वादा है वो बिल्कुल सबसे जरूरी जो कमिटमेंट डेडिकेशन है वो ऑन ग्राउंड है। आपने खास तौर पर ये बोला कि अभी अलग दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा सच है? हाँ, ये जो रिएक्टिव होना, स्टेटस को होना, टॉलरेट करना, ये बिल्कुल खत्म हो गया। अगर आप बारीक से 2019 को देखें तो आप देखेंगे सबसे पहले जो पिछले साल 24 फरवरी को नेशनल वॉर म्यूजियम का उद्घाटन हुआ था, मतलब ये कि जितने भी शहीद हुए हैं उनको इज्जत दी, और उसके ठीक दो दिन के बाद में जो बालाकोट में पाकिस्तान का ना सिर्फ एलओसी इलाका पार करके लेकिन उनका बॉर्डर पार करके उनके टेररिस्ट कैंप के ऊपर में हमला किया, और उसके बाद में आपने देखा है कि कश्मीर के अंदर में सदा ही एक अलग सख्त तरीके की प्रोफेशनलिज्म रही है, लेकिन खास तौर पर पिछले कुछ सालों से जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, जो ऑल आउट ऑपरेशन किया है, जो इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस के साथ काम किया है, ये तो मैंने खुद किया है 10 साल, और इस बलबूते में बता सकता हूं कि जो हमारे इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन है, जो प्रोफेशनल तरीका है प्रिसीजन का और सर्जिकल ऑपरेशन करने का, वो बहुत तगड़ा है। सबसे अच्छी बात श्वेता जी ये लगी है कि R9 अभी शुरू हुआ है और आपने नेशन फर्स्ट और ये राष्ट्र को सबसे पहले रखने की ये जो बुनियाद रखी है, जो आप बोल रहे हैं कि हमको आजादी किस चीज से चाहिए, हमको आजादी डेफिनेटली टेररिज्म से चाहिए, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो टेररिज्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो केंद्र बिंदु है, वो पाकिस्तान आर्मी, ISI और टेररिस्ट ग्रुप है। इसलिए जरूरी है कि अगर आपको टेररिज्म खत्म करना है यहां पर, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो पाकिस्तान आर्मी, जिसने प्रॉक्सी वॉर, फंडामेंटलिज्म, जिहाद, ये जो सब शुरू किया है, इसको खत्म करना पड़ेगा। ये जो संदेशा दिया है 2019 ने बालाकोट के अंदर में, और ये इतना बड़ा डिसीजन जो नेशनल विल रिजॉल्व और एक एक दृढ़ निश्चय दिखाया है भारत ने कि आर्टिकल 370 को एकदम निकाल दिया है। अभी बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो अगला कदम होगा वो होगा, जो छोटा मोटा अभी पाकिस्तान जो सोचता है कि वो टेररिज्म चलाता रहेगा, अगर आप देखेंगे तो आज के दिन भी तराल के अंदर में साउथ कश्मीर में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चल रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह आतंकवाद की जो है वो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, नकेल कसने की वहां जरूरत है। चलिए बीएन झा, जिस तरह से गुरमीत जी ने कहा, चलिए पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है और आतंकवाद को न सिर्फ बढ़ावा देता है, पनाह देता है, हर तरह की चीजें हैं सर, लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर का उन्होंने जिक्र किया, तो यहां पर जम्मू कश्मीर का जिक्र आते हैं, अभी अभी हाल ही में मामला हुआ है और सभी जान रहे हैं कि किस तरह से खुद हमारे पुलिस के जवान, मेरा इशारा देवेंद्र जी की तरफ है कि किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई अब हो रही है, ये जो संलिप्तता पाई जा रही है। और केवल हम पाकिस्तान को क्यों कहें, हम डोकलाम को क्यों ना देखें, हम चीन को क्यों ना देखें, हम म्यांमार के वक्त 2019 में जो वहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिस तरह के सीमा पे तैनात थे हमारे जवान, हम उसको क्यों ना देखें, ये भी तो आतंकवाद है सर। जी श्वेता जी,
आप इसको दो तरह से देखिए, एक तो वो जो कि देश के अंदर में हो रहा है और दूसरा जो देश अपने आप में है। तो जो देश अपने आप में है, जैसे अभी आपने सारे गिनाए हैं कि देश काफी स्ट्रांग है, काफी काफी विकसित है और काफी सक्षम है। जहां तक टेररिज्म के प्रति आजादी की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो तो छोड़ दीजिए। देखिए टेररिज्म या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय अगर जो जो सामना चुनौती का सामना करना पड़ेगा देश को, उसके लिए देश बहुत ही ज्यादा सक्षम है। हमारी आर्म फोर्सेस बहुत ज्यादा विकसित है, बहुत ज्यादा अभी उसमें सब कुछ है उसको। लेकिन जहां देश के अंदर की बात कर रहे हैं आप आजादी, मैं सोचता हूं कि अभी जो ये नारा चल रहा है आजादी, हमें आजादी अभी चाहिए अज्ञानता से, वहम से, ये जो सारा मॉब माइंडेडनेस अभी चल रहा है उससे, गलतफहमी से, ये सब कुछ इसी का वजह है। आप सारी घटनाओं को देख लीजिए। जब सीए का कानून पास हुआ था उसमें सिर्फ जो दो पार्टियां, दो जो पार्टियां थी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, इन्होंने काफी खिलाफी की थी क्योंकि इनको लगा था कि इसके चलते इनका जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक खास करके जो है, ये इस पे प्रेशर पड़ेगा इनको, क्योंकि उसी को सीएए में छोड़ा गया था। तो उन्होंने अभी एक ये नया तरीका देखा कि इसके चलते मोदी सरकार को घेरा जा सकता है। तो उसके बाद का हम देख लीजिए, राहुल गांधी बाहर आए, उन्होंने उन्होंने जो वक्तव्य दिया था पहला वक्तव्य, उन्होंने यही कहा था कि ये असंवैधानिक है और ये मुसलमानों के खिलाफ है। एक वहां से शुरू हुई थी, उसके बाद सारे, चाहे राहुल गांधी, चाहे सोनिया गांधी, चाहे प्रियंका गांधी, चाहे कांग्रेस के जितने नेता हैं, सबों ने यही एक नैरेटिव दिया था कि ये असंवैधानिक है और मुसलमानों के खिलाफ है। मुझे ये कहते हुए जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि मुसलमान इसमें जो जो बेट होता है ना, जो बेट उनको दिया गया है कम्युनल बेट, और उनको उन्होंने चबा दिया है, जिसके चलते कि वो सड़क पे आ गए हैं। ये एक एक बहुत बहुत खराब चीज हुई है। ये ज्यादा डेंजरस है बीएन झा, ये ज्यादा डेंजरस है, ये आतंकवाद ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि बॉर्डर पे तो पता होता है कि लड़ना किससे है, सामने दुश्मन होते हैं, लेकिन देश के भीतर हमें जिनसे लड़ाई लड़नी है, हमें पहचानना होगा, हमें समझना होगा, हम वॉर फ्रंट की तरह उनसे नहीं लड़ सकते, तो ये ज्यादा घातक होगा। आप यही कहना चाह रहे हैं? जी, मैं 30 सेकंड आपका और अपनी बात खत्म कर लेता हूं। तो ये जो एक मानसिकता शुरू हो गई, पहले उन्होंने यहाँ पे दिल्ली में किया, जामिया में जो उनके आसिफ खान जो थे, उन्होंने एक अपना प्रदर्शन रखा, वहां से आग फैलती शुरू गई, फिर केरल में हुआ, त्रिशूर में विद्यार्थियों को घसीट घसीट के मारा है सीपीआई के लोगों ने। तो इस तरह से जो आग फैलनी शुरू हो गई दिसंबर में, दिसंबर 16-17 के बाद से, वो अभी तक थमने का नाम ले रहा है और उसका प्रतिरूप जो है वो शाहीन बाग में दिख रहा है। शाहीन बाग में ये सारे क्वातने क्यों बैठी हुई हैं? ये सारी जो महिलाएं मुसलमान को महिलाएं हैं वहां पर क्यों बैठी हुई हैं? उसमें मुसलमानों का तो कहीं कुछ जाता ही नहीं है, फिर क्यों बैठी हुई हैं? बस उनको एक डर बिठा दिया गया है कि सीएए के बाद एनआरसी आएगा और उस एनआरसी के बाद तुमको लाइन में लगना पड़ेगा, तुमको डिटेंशन कैंप में दे दिया जाएगा। तो ये जो गलत फहमी डाल दी गई है मुसलमानों के दिमाग में, अब यही एक चीज जो है वो काफी दिक्कतें दे रही है। और मुझे बहुत तरस आता है अपने देश के लोगों के प्रति कि वो कैसे ऐसे भड़क जाते हैं, मतलब ऐसे इतनी सारी गलत फहमियां लेके वो देश को कैसे चला रहे हैं, ये तो बहुत ही बुरा है। हमें अभी इस तरह के आतंकवाद से ज्यादा निपटने की जरूरत है। हम बॉर्डर पे तो फिर भी मजबूत है, लेकिन हम ऐसा ना हो कि हम वहां तो मजबूत हैं और हम अपने घर के भीतर की लड़ाई जो है वो हार जाए। शायद पूरी दुनिया इसी चीज का इंतजार कर रही हो कि जब एक देश बाहर से तो अपने आप की मजबूती दिखा दे, जो हम कल 71वें गणतंत्र पर जिस तरह से परेड निकलेगी और जिस तरह से झांकियां निकलेंगी, जो एक खूबसूरती को दर्शाएगी हमारे देश की मजबूती को दर्शाएगी। लेकिन एक तरफ वो सीन भी होगा जब शाहीन बाग में लोग बैठे रहेंगे धरने पर, तो ये पता भी चलेगा कि आंतरिक कलह कितनी है। इस पर भी बात करेंगे सर। अंबेडकर नगर की आवाम के मिजाज क्या है, क्या सोचती है आतंकवाद को लेकर, सरकार ने कितना काम किया है और किस किस तरह के आतंकवाद से निपटने की हमारी जरूरत है, चलिए पहले वो सुनवा देते हैं, फिर मैं आऊंगी प्रेम जी आपके पास। लगभग सही उम्मीद पे खड़े उतरे हैं मोदी जी। देश के अंदर कोई भी ऐसी आतंकवादी गतिविधि अब तक तो कोई संचालित नहीं हुई है। हाँ, बॉर्डर पे जरूर हुई है और उसको भारतीय सेना जो है बड़े सक्षम और साहस के साथ उसका सामना कर रही है, और नरेंद्र मोदी जी आतंकवाद के मुद्दे पर खड़े उतरे हैं। आतंकवादियों के अंदर मोदी जी के शासन के कारण जो भय है
और वो यहाँ से निकलने की सोचने लगे हैं, शुरुआत हो गई है। आतंक इस देश से मोदी जी के राज में खत्म होगा। माननीय प्रधानमंत्री के प्रयास से आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है और करीब 60% आतंकवाद भारत में ख़त्म हो गया है। जो 40% है उसको जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री रहते रहते आतंकवाद बिल्कुल हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगा। तो सुना आपने लोगों का क्या कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद से जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें हम बहुत सक्षम हैं। मनोज जी आना तो आपके पास चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने प्रेम कुमार जी को बोला है, प्रेम जी आपसे निष्पक्ष यहाँ पे राय चाहूंगी। ये बार बार जो लोगों की बाइट हम सुना रहे हैं, ये आतंकवाद, पहली बात तो समझना होगा हमें, क्या बॉर्डर पर ही सिर्फ आतंकवादी होते हैं? आतंकवाद क्या सिर्फ जो टेररिस्ट है वो कर रहे हैं, या आतंकवाद जिहादी आतंकवाद भी होता है, सांप्रदायिक आतंकवाद भी होता है, लिंग आधारित आतंकवाद भी होता है, क्षेत्रीय आतंकवाद भी होता है, किसी तरह की हिंसा अगर वो फैलाई जा रही है, किसी तरह की भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है जिससे हिंसा फैले, जिससे फूट पड़े, वो आतंकवाद नहीं है क्या? प्रेम जी देखिए, श्वेता जी, आतंकवाद निश्चित रूप से अपने डायमेंशंस दिखाए कि बड़ा विषय हो जाता है। और हम अभी हमारे बड़ा पैनल है हमारे साथ, बड़े सेना के अनुभवी अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। आतंकवाद के बारे में भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से ग्रेविटी ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आतंकवाद का, वो हमारे पड़ोसी मुल्क में है। मैं उसको थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ कि देखिए, आतंकवाद का जो सेंटर है पाकिस्तान जरूर बना, लेकिन उस सबसे बड़ा जनक कौन है? उस पाकिस्तान कबूल कर चुका है, हम सब जानते हैं। अमेरिका ने आतंकवाद को खड़ा किया, अमेरिका ने पूरी दुनिया में खड़ा किया। आज भी जो ईरान इराक में आप देख रहे हैं, एक सेना के कमांडर को मार दिया जा रहा है, उसको आतंकवादी बोल के मार दिया जा रहा है, ये भी हो रहा है। एक समय सद्दाम हुसैन के इराक का नाश किया गया, आज उसी सुन्नी को लेकर के ईरान के खिलाफ में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ग्लोबल टेररिज्म जो है वो भी जारी है। तो जब हमारी सरकार, और सबकी सीमा होती है, हमारी सरकार की कूटनीति होती है, उसकी ज़रूरत होती है, हमें ट्रंप के साथ हाथ मिलाना पड़ता है क्योंकि हमारी देश की ज़रूरत है, नेशन फर्स्ट है, ग्लोबल जिम्मेदारी है, उसके हिसाब से भी हमें चलना पड़ता है। लेकिन आतंकवाद पर हम जब बात करेंगे तो उसकी सीमा जो है, उसका जो कोर जहां से जन्म हुआ वो और दूर तक जाता है, बात दूर तक जाती है। एक इंटरनेशनल आतंकवाद की बात हुई, हम अपने अंदर में देखें, घरेलू हम बहुत डिबेट में, जस्ट हम चिन्हित करना चाहते हैं कि हमारे देश में देखिए आतंकवाद, एक दो किस्म के आतंकवाद को हम देख रहे हैं। एक तो कश्मीर के से जुड़ा हुआ आतंकवाद, जिसका बॉर्डर से सीधे कनेक्शन होता है, पाकिस्तान से कनेक्शन होता है, विदेश से उनको मदद मिलती है, वो है। दूसरा आतंकवाद जो कि अभी ख़त्म हो गया, एक तरह से बोलिए अब वो घटनाएं नहीं दिख रही देश के अलग अलग इलाकों में, अब हम फूटने की, वो आतंकवाद था जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद वो आतंकवाद शुरू हुआ था। देश के विभिन्न हिस्सों में वो आतंकवादी घटनाएं घटी थी, उसका हम राजनीतिक पहलू टच नहीं करना चाहेंगे क्योंकि फिर बात डिरेल हो जाएगी, लेकिन वो भी एक आतंकवाद है। आप नक्सलवाद को भी आतंकवाद बोल सकते हैं, ये बिल्कुल उग्रवाद को भी बोलेंगे सर। तो ये एक तीसरा आतंकवाद, तो आतंकवाद अलग अलग किस्म से सर उठा रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है। अब देखिए, ये जो CAA है, अगर इसको हम आशंका जता रहे कि अगर इस CAA की घटना को अगर हम काबू नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में एक और नई किस्म की स्थिति पैदा करेगी, जो हो सकता है कि मैं मेरे शब्द सही ना हो कि क्योंकि एक और किस्म का आतंकवाद पैदा हो जा सकता है। ये एक राजनीतिक आतंकवाद कोई ऐसा तो कोई इसमें तो पार्टियों को आगे आना चाहिए ना, नहीं है इसमें तो पार्टियों को आगे आना चाहिए। जैसे बॉर्डर पे अभी डिफेंस एक्सपर्ट सब बैठे हैं, बॉर्डर इन लोगों ने संभाला है, सर्विस इन लोगों ने दी है, तो इन्हें पता है कि देश के बाहरी दुश्मनों से कैसे निपटना है। देश के भीतर जो है, जो कुछ लोग जानबूझ के आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, पनपा रहे हैं, तो इनसे तो पॉलिटिकल विल से होना चाहिए, सभी पार्टियों को लड़ना चाहिए। लेकिन पार्टियों में वो सभी पार्टियों की बात करूं प्रेम जी, तो इच्छा शक्ति की कमी दिखती है। मनोज तिवारी आप क्या कहेंगे? आप देख रहे थे अभी सब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद से जिस तरीके से भारत निपट रहा है, लगता है कि देश सुरक्षित है, तो क्या केवल बाहरी आतंकवाद से हम सुरक्षा पाएंगे या भीतरी आतंकवाद को भी खत्म करना होगा? किस तरह की आजादी चाहिए, किस तरह के नारे लग रहे हैं? देखिए श्वेता जी, पैनल निश्चित रूप से बड़ा है, मुझे लगता है मौका नहीं मिलेगा, मैं एक बात आपको थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। दरअसल प्रेम जी जिन्होंने बात उठाई है, ये समस्या जो है ये ग्लोबल टेररिज्म है, और सबसे पहले रेडिकल इस्लामिक ग्रुप की स्थापना जो जहाँ से आतंकवाद की शुरुआत होती है, अमेरिका के द्वारा की गई थी,
और जब टू ग्लोबल ये सुपर पावर था रशिया और अमेरिका, तो अमेरिका ने रशिया को साइलेंट करने के लिए रेडिकल इस्लामिक ग्रुप की स्थापना की थी और उसका प्रभाव है पूरी दुनिया में आतंकवाद का। मैं उसको बता रहा हूं। दूसरा मामला है, आपने कहा क्या, देखिए चूंकि दरअसल हम सीए पर टॉक नहीं करें, सीए पर बातचीत नहीं करेंगे, मामला डिरेल होगा। नहीं, हम आज आतंकवाद की बात कर रहे हैं। मैं बॉर्डर के आतंकवाद की भी बात कर रही हूँ और मैं इन सारे आतंकवादियों की बात कर रही हूँ। ये जो सर आतंकवाद का मतलब क्या होता है, पहले यही समझा रहा हूँ कि आतंकवाद ही तो बता रहा हूँ कि आतंकवाद का मामला भारत का थोड़ी है। भारत में जो मामला आया है बढ़ गया है, ये मानते हैं ना सर, वो बढ़ा क्यों है मैं वही बता रहा हूँ आपको। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। आपने कहा अभी तक 29 वर्षों में 46,000 लोग मारे गए हैं, आतंकवाद के शिकार हुए हैं। उसमें मैं आपको बता देता हूं कि उस 46,000 में जो इसको धर्म को लेकर के आपका कहीं ना कहीं अगर एंगल है तो मैं उस चीज को आपको क्लियर करता हूं। 14,000 जो हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और उस आतंकवाद का धर्म नहीं होता उसी को मैं प्रमाणित करता हूं कि 14,000 मुस्लिम्स मारे गए इस आतंकवादी गतिविधियों में। 11,000 जो है बाहरी लोग मारे गए। उस 11,000 कौन से थे, जो वो बाहरी आतंकवादी थे, वो पाकिस्तान प्रायोजित थे, इराक प्रायोजित थे, सीरिया प्रायोजित थे, अफगानिस्तान प्रायोजित थे, ये सारे लोग थे। उसमें से जो है जो सिविलियंस मारे गए, आज हमारे 7,000 सैन्यकर्मी उसके शिकार बने हैं। 7,000 3216 सैन्यकर्मी जो है महज 2.5-3 सालों में, ये सरकार का डाटा है, आप इसको देख सकती हैं। सवाल ये नहीं है, हम बिल्कुल राजनीतिक घेराबंदी नहीं करना चाहते। हम आपको क्या बताना चाहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं आतंकवाद का खात्मा कैसे होगा। अंग्रेजी में कहावत है स्टिक इन टाइम सेव नाइन, इसका मतलब होता है परिणामों से परिणाम की अपेक्षा करते हुए इसमें सुधार की जरूरत होती है। मैंने आपको एक बात बताई, आपने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार आप बाइक दिखा रही थी, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले आतंकवाद के ऊपर पूरी मजबूती के साथ यूपीए की सरकार एक विधेयक लेके आई थी यूएनओ में, उसका मामला था द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। आप उन आतंकवाद के मुद्दों पर जा रहे हैं, सिर्फ बाहरी है, आप अंदर के आतंकवाद की बात नहीं करेंगे आज, ना आप करेंगे ना कैप्टन आई करेंगे। नहीं 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 नहीं, आप डिरेल कर रहे हैं, आप डिरेल कर रहे हैं, आप डिरेल। सांप्रदायिक आतंकवाद कौन फैलाता है सर, जातीय आतंकवाद कौन फैलाता है, ये जवाब देंगे आप देंगे? ये जो कौम को लेकर लड़ाई छिड़ चुकी है, सीए का मुद्दा है, सीए का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कौन कर रहा है, राजनीतिक पार्टियां कर रही है। एक एक श्वेता भट्टाचार्य को क्या मतलब है सर, श्वेता भट्टाचार्य एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, श्वेता भट्टाचार्य यहाँ बैठ के अगर शो कर रही है तो उसका शो रेहान बना रहा है। एक मिनट सर, अगर श्वेता भट्टाचार्य यहाँ शो कर रही है तो मेरा शो रेहान बना रहा है। हमारे में आम लोगों में कुछ नहीं है सर, ये आप लोगों का क्रिएट किया हुआ है, ये आप लोगों का क्रिएट किया, सांप्रदायिक आतंकवाद, जाति आतंकवाद, और ये जो दलित 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 आतंकवाद, ये जो कहते हैं ना कि हम बन गए हैं, नहीं सर, मानने की जरूरत है। इस पैनल में हमारे साथ वैसे सैन्यकर्मी बैठे हुए कुछ कहना चाह रहे हैं जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर, यही तो नमन सर, ये तो बहुत अच्छी बात होती है सर कि जब भी ऐसे रिटायर्ड फौजियों को देखते हैं तो हमारा हाथ उठता है सर, हमारा हाथ उठता है। नहीं, मैं सिर्फ कांग्रेस को टारगेट नहीं कर रही हूँ, यहाँ अभी पूछूंगी, अभी पूछूंगी, ये सारे रक्षा विशेषज्ञ अगर एक स्वर में नहीं बोले सर, अगर एक स्वर में ये सारे रक्षा विशेषज्ञ ये बात नहीं कह देंगे। एक मिनट, नहीं मनोज जी, नहीं डिरेल करने नहीं दूंगी। बीएन झा कुछ कह रहे हैं। हाँ जी जी, श्वेता जी, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाह रहा था, अभी जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि आतंकवाद का अमेरिका ने शुरुआत किया था, नहीं, ये गलत कह रहे हैं। आतंकवाद का पहला शुरुआत जो हुआ था वो पैलेस्टाइन इसराइली लिबरेशन के बाद में शुरू हुआ था, जिसमें कि पैलेस्टाइन मूवमेंट पूरी शुरू हो गई थी, और वो इसलिए हुई थी क्योंकि कुरान कहता है कि जिहाद अपने धर्म के रक्षा के लिए किया जा सकता है, और पहली बार इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है वो पैलेस्टाइन में मार खाई थी क्योंकि इसराइल ने उनके कुछ इलाके लिए थे, अपने इलाके के लिए। कहां जा रहे हैं आप लोग, तो अरे सर इस्लाम, मैं यही कहता हूं, भाषा इसके पहले भी मेरी आपसे बात हुई। तिवारी जी, तिवारी जी, बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन अब मैं क्या बोलूं, आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप सिर्फ 20 सेकंड सुन लीजिए जी, प्लीज बोलिए। जो मैं कह रहा था कि ये जो आतंकवाद का जो मूल है वो कहीं ना कहीं
इस्लाम के आइडियोलॉजी में आता है और जो इस्लाम के 7 टेनेट्स हैं उसमें से एक टेनेट जिहाद है। तो ये सारी चीजें वहां से आती हैं और उसी का स्वरूप है कि हम इसराइल में देख रहे हैं, पैलेस्टाइन इसराइल में देख रहे हैं, उसके बाद जो जो अमेरिका ने जो हवा दिया था आज ना हम देखिए थोड़ा सा हम इसके उसमें ना जाए कि ये फिर से वही हम आ जाएंगे सर, हम भी वही करने लगेंगे हिंदू मुस्लिम। तो आज ना थोड़ा सा उस पर नहीं जाते हैं कि आतंकवाद की शुरुआत, देखिए सर ये जब चीजें आएंगी ना तो ये बहुत ज्यादा बायस्ड वाली बात हो जाएगी सर। आज हम हिंदू मुस्लिम नहीं, आज हम तो बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम हम क्यों उठाते हैं, उस देश में क्यों उठाते हैं जहां हम खूबसूरती के साथ रह रहे हैं, क्यों बार बार ये मुद्दे बनाए जाते हैं, क्यों इस तरह के आतंकवाद फैलाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें अगर भीतरी आतंकवाद की बात करें तो पार्टियां संलिप्त होती है, माने या ना माने। कैप्टन आई, आपको मेरे स्टेटमेंट पर कुछ कहना है? हाँ बिल्कुल श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा जैसे अभी हमारे मित्र कांग्रेस के कह रहे थे कि आतंकवाद कहां से शुरू हुआ, तो हमें नहीं नहीं शुरुआत पे मत जाइए सर। हाँ, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, जिहादी आतंकवाद, सांप्रदायिक आतंकवाद, कि हमें बाहर का नहीं देखना, हमें अपना घर देखना है कि हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे घर को हमें कैसे साफ सुथरा करना है, हमारे घर में जो काकुर्च अंदर पल रहे हैं हमें इन्हें कैसे खत्म करना है। तो इसमें हमारे मित्र को ये सोचना चाहिए, इनकी पार्टी को, कि यहाँ जो आतंकवाद पल रहा है उसका आप संरक्षण ना करें, आप उसका संरक्षण ना करें। मुझे बताइए और कैसे आप करेंगे? जो है ना, जो यहाँ अभी रूरल जो सरकार है, जो पार्टी है, उसका आप बराबर साथ दें तो ये ऐसे ऐसे बयानबाजी देके गोली मार दो, दफना दूंगा, ये 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 ऐसे करके निपटेंगे, ऐसे करके निपटेंगे। आप देखिए इनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस की सहयोगी पार्टी केरल में सरकार है, केरल में सरकार है। मैं आपके बीच में बोला नहीं हूँ, करना चाहते तो करिए, आपके बीच में मैं बोला नहीं हूँ, आप सुनने की क्षमता रखे करें। अगर आप क्या बोलूँ अब आपको, अब आप अगर आपने बोला है मैंने बीच में नहीं बोला तो आप हमारी भी थोड़ा सुनने की क्षमता रखे। तो आप देखिए कि अभी केरल में क्या हुआ है 2 दिन पहले, कि इनकी जो है ना इनकी सहयोगी लेफ्ट सरकार है, वहां पर जो सीएए का जो समर्थन कर रहे थे वहां के लोग, उनका पानी सप्लाई बंद कर दिया गया है। अरे आप उसके ऊपर कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला है, एनआरसी पर तो श्वेता जी ही बता दे कि हम लोग की चर्चा आज जो है ना, अरे आतंकवाद पे जो बैठा रहते हैं धरने पे, अरे कांग्रेस पर चर्चा कर रही है, श्वेता जी कांग्रेस ने आतंकवाद को हिंदुस्तान देश में हाथ देश में जो ऊपर चर्चा करिए सर। मनोज जी आप खत्म होने नहीं दे रहे सरकार, ऐसे तो बिल्कुल खत्म नहीं होगा, ऐसे तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके आप लोग टाइम खराब कर देंगे, और ऐसे तो हम किसी प्लीज मनोज जी प्लीज पूरी माफी के साथ चाहता हूँ, आप गलत मत ले जाइए, प्लीज प्लीज गलत मत ले जाइए, आतंकवाद मनोज जी उस पर बात करिए। एक मिनट, जितने भी डिस्कशन मैंने आज तक अटेंड किए हैं ये सब कांग्रेस और बीजेपी के एक पॉलिटिकल डिस्कशन में आके खत्म हो जाते हैं, वाकई में खत्म हो जाती है, इसीलिए मैंने डिस्कशन की शुरुआत में ही कहा हम उससे भटक रहे हैं। बिल्कुल, मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा केवल देश में आतंकवाद पर हम कहां तक काबू के पार पाए, क्या इनके बाहरी आतंकवाद और भीतरी आतंकवाद दोनों से निपटना है। आप मुझे बताइए अगर सीए के विरोध में कोई प्रदर्शन हो रहा है तो उसमें कश्मीर से आजादी का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है कश्मीर, यही तो बात हो रही है यही तो समझना चाह रही हूँ ओमेन से कि ये आखिर एजेंडा के तहत इसे एक उद्योग बना लिया है आतंकवाद को भी चलाया जा रहा है। कुछ पार्टियां और कुछ लोग जिनकी दुकानें बंद हो गई थी, सही बात है, उनकी दुकानें बंद हो गई, उनको दर्द महसूस हो रहा है और वो तरह तरह से आज के आपने देखा नहीं वो श्रीमान जी जो आज लेक्चर दे रहे थे, क्या नाम था उनका, सरजील जी, ऐसे आदमी को तुरंत अरेस्ट कर देना चाहिए। और क्या प्रूफ चाहिए जो नेशन के अगेंस्ट वॉर वेज कर रखी हो उन्होंने, 121 एक्ट के अंदर उनको बंद कर देना चाहिए इमीडिएटली। ये क्या देश के खिलाफ इतना आप भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं किस तरह से 5,000 लोगों को और आपने रास्ता बंद किया हुआ है और चार चार पाँच पाँच घंटे की देरी हो रही है, आप बिहार में समझा रहे हैं ये बात कि आप यहाँ भी ऐसा करिए,
ये क्या है, ये एक एजेंडा है, ओमवीर सिंह इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपके लिए सर, आपके लिए ये कहना बहुत मतलब मैं ये नहीं कहूँ गलत होगा, लेकिन आप ये आसानी से ये बात कह रहे हैं कि उन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन जब अरेस्टिंग के लिए जब चीजें एफआईआर और ये सब लॉन्च होती है ना सर, अभी हुई है पिछले दिनों, तो किस तरीके से उसका मुद्दा बनता है और उसको सियासत में उसे लपेट दिया जाता है और उसके बाद सर ये जंग छिड़ जाती है, एक ऐसी जंग जिससे लड़ना बहुत मुश्किल है। संत पाल राघव, बॉर्डर पर लड़ना ज्यादा आसान है या देश के भीतर, आपको क्या लगता है सर? श्वेता जी, दोनों जगह कन्वेंशनल वॉर में एनिमी बिल्कुल हमारे सामने होता है, हमारे कमांडर्स की प्लान होती है, ट्रूप्स एक्सलेंट रिजल्ट्स होते हैं। मैं कश्मीर के अंदर रहा हूं, मैं 10 ईयर्स रहा हूं और मुझे आज ये गर्व और गौरव है आपको बताते हुए कि मेरे को भी शेल लगा हुआ है और बुलेट मेरे यहां से निकली है 2 नवंबर 1999 और 2 जून 1997 के अंदर। मैं थिक ऑफ ऑपरेशंस में था। प्रॉक्सी वॉर इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन, हमें यह पता नहीं कि कौन कहां पे और कैसे है। जब मैं कुपवाड़ा में था, बच्चा जिसकी जो कॉन्वॉय आती थी वो 9 साल का होता था और वो जो है ग्रेनेड लॉब करता, ये देश को शायद पता नहीं है क्योंकि वहां भीड़ थी। अभी मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पूरे देश को बताना चाहता हूं कि यह एजेंडा क्या है। यह एजेंडा आज बॉर्डर मैनेज बड़े अच्छी तरह से आर्म फोर्सेस ने किए हुए हैं और जो भी वहां कश्मीर वैली है, सिचुएशन आफ्टर 370-35 कूल है, काम है, कंट्रोल में है। अभी जो देश विरोधी ताकत ISI पाकिस्तान आर्मी, उनको एजेंडा अपना चलाना है। वो ये जो आप देश के अंदर आज हो रहा है उनका भी हाथ इसके अंदर है और देश विरोधी ताकत जो है इस एजेंडा को पीछे से करके इसको आगे बढ़ा रही है। आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूं कि हमारे को इस तरह से देश के हिंडरलैंड में जो ये चीजें हैं, सख्त कानून होने चाहिए और जितने भी ग्रुप्स देश के अंदर हैं वो एक मजबूती से गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए और इसका खात्मा करना चाहिए। गुरमीत सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे थे और जिस तरह से संतपाल जी ने कहा है कि एक चीज बस एड ऑन कर देना चाहती हूं, क्योंकि बार बार जो भी डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं वो कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है, कहीं ना कहीं ये रचा जा रहा है, एक साजिश रची जा रही है, तो शायद बैठे मनोज जी को और प्रेम जी को भी आपत्ति हो जिस तरीके से आप लोग, लेकिन शायद सेना का ये रूल रहता है, कट टू कट रहते हैं सर, हमें पता है ये हमारा दुश्मन है, हमें इसे टारगेट करना है, लेकिन यही हालात बिल्कुल अलग मेरे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मनोज जी, क्योंकि बार बार देखिए बात उठती है पूर्ववर्ती सरकार पर, जब बात उठती है तो आपको मिर्ची लग जाती है सर, मिर्ची लगती है ना सर, पूर्ववर्ती सरकार पर बात उठती है आपको मिर्ची लग जाती है, आपको मिर्ची लगती है ना, पूर्ववर्ती सरकार पर बात उठते हैं आप अटैक करने लगते हैं। नहीं मैं सर, आप ये बात बोलिए आपको नहीं लगती, अभी देखिए आप फिर आपको मिर्ची लग जाएगी, पूर्ववर्ती सरकार पर बात उठेगी तो आपको मिर्ची लगेगी। जब देश के भीतर बंटवारे की बात उठेगी तो इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को मैं पूछूंगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां रिस्पॉन्सिबल है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां रिस्पॉन्सिबल है, जी नहीं बिल्कुल नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी में बार बार मनोज जी डिमेंटेरियल मत कीजिए, गुरमीत जी फिर आप बात कर, आप मनोज जी आज आप समझ नहीं पा रहे हैं, आज आप समझ नहीं पा रहे बात क्या हो रहा है, आज आप समझ नहीं पा रहे बात क्या हो रही है। फिर मैं बोल रहा हूं, आप कहिएगा आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोलते ही हैं, आप गलत ही बोलते हैं, आपकी आदत है, आप जो है ना फिर गलत बात तो है ना सर, है ना, ये तमाम पॉलिटिकल मैं चाहता हूं कि इनकी आवाज आप साइलेंस कर दीजिए, स्पीक और आप सुनिए, एक्सपर्ट बोलना चाह रहे हैं उनकी बातें सुनिए आप। मैं आए जी मैं पहले जनरल साहब को बोलने का रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आपका आज का मुद्दा इतना अच्छा है कि पूरे देश को टेररिज्म से मुक्ति चाहिए, अगर इतना अच्छा आपका उद्देश्य है तो जो मैसेज है हमारे पूरे भारत में, पूरे राष्ट्र में, पूरे समाज में और हर एक सिटीजन को जाना चाहिए वो ये है कि ये ऑल गवर्नमेंट पूरा समाज और हर एक व्यक्ति की लड़ाई है। इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने बताया है वो पक्का अवश्य पाकिस्तान आर्मी, ISI और टेररिस्ट ग्रुप और कुछ ऐसे तत्व हैं जो एनामिकल तत्व हैं, जो सेपरेट तत्व हैं, उनके अगेंस्ट में लड़ाई है। ये लड़ाई है माइंड वॉर, प्रॉक्सी वॉर, हाइब्रिड वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर की। इसलिए हम सबको एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा
कि हरेक व्यक्ति हरेक नागरिक एक सैनिक है इस काउंटर टेररिज्म के अंदर में। जो आपका ये जो माइंड वॉरफेयर है ये इसमें आपको भी टारगेट किया गया है, लेकिन क्या हम 26 जनवरी वाले दिन इस वक्त एक संकल्प ले सकते हैं कि हम टेररिज्म को पूरा समाज पूरा राष्ट्र हरेक व्यक्ति इसको लड़ेगा? इसलिए जरूरी है कि आपके आसपास अगर कुछ ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसकी खबर दें, आप भी इंटेलिजेंस का हिस्सा बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने दिमाग को खुला रखें कि अपने राष्ट्र को किस प्रकार टेररिज्म के अगेंस्ट बचाना है। अभी आप देखिए कि ये जो लड़ाई होती है ये ऑल एलिमेंट्स ऑफ पावर की होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी। और ये जरूरी है, अगर हमको पूरा विश्व को ग्लोबल वॉर ऑफ टेररिज्म लड़ना है तो उसका जो केंद्र बिंदु है ना पाकिस्तान, उसकी जो सोच है जिहाद की, उसकी जो सोच है झूठ बोलने की और प्रोपेगेंडा, उसके अगेंस्ट हमको डिफेंड करना है। मैं चाहता हूं एक रिक्वेस्ट है हर एक भारतीय को आज के दिन में कि जब भी बात होती है नेशनल सिक्योरिटी की, जब बात होती है टेररिज्म की, तो बीच में पॉलिटिक्स मत लाइए, बीच में अपना एजेंडा मत लाइए, बीच में अपना बायस मत लाइए, क्योंकि जो राष्ट्र सुरक्षा होती है वो धर्म से ऊपर उठ के रोती है। ये धर्म की बात करना, राजनीति की बात करना और आखिर में टेररिज्म हमसे जीत जाए, क्या आप ये चाहते हैं? पूरे भारत का जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। दूसरा, आपको एक विश्वास दिलाता हूं, भारत सेना का हूं और यह विश्वास यह है कि आपकी जो आर्मी है वो प्रोफेशनल आर्मी है। आपकी आर्मी ने दृढ़ निश्चय लिया हुआ है कि टेररिज्म को उखाड़ के फेंकेंगे। आपने देखा कि किस प्रकार से काम करते हैं आज के दिन भी, आज के मैडम एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, हरेक को मालूम होना चाहिए कि आपकी आर्मी आपके लिए लड़ रही है, आपकी जिम्मेवारी है, आप अपनी आर्मी के साथ खड़े रहिए, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, लेकिन अपनी 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 सेना को शक्ति प्रदान कीजिए, सहयोग प्रदान। मैं समझती हूँ सर, आपका जोश समझती हूँ। और जब आप लोग बात करते हैं, मैं नहीं मानती कि फौजी कभी रिटायर होता, क्योंकि रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो बोलता है ना, आपने वहां देखा है, वहां महसूस किया, वहां झेला है उन परिस्थितियों को, तो हमें भी महसूस होती है। लेकिन सर, जब उन्हीं फौजियों से हिसाब किताब मांगा जाता है कि आप बताइए आपने मारा कि नहीं मारा, आप कीजिए, तो इसका राजनीतिकरण हो रहा है ना सर, क्या मैसेज जाता है सर, क्या मैसेज, ये कौन करता है, ये पार्टियां करती हैं, और क्या हमारे दिमाग में क्या आता है सर? देखिए, मैं यही बार-बार बोल रही हूं कि बॉर्डर पर लड़ना, शायद आपको पता है कि दिस इज माय टारगेट, और यहां हम दो मिनट सोच नहीं सकते इसे मारूं या ना मारूं, ये सही है या गलत है, आप उसे शूट अगर देखा आपने शूट किया। यहां तो सर, अगर प्रेम जी मैं पूछना चाहूंगी, अभी सीए के लेकर जिस तरीके से कैसे हम डिसाइड करें, जेएनयू में जो हुआ, एमयू में जो हुआ, अभी फैजुल हसन ने जिस तरीके से कहा हम अपने आप पर आ जाएं, हम अपने आप पर आ जाएं तो मुल्क को बर्बाद कर देंगे, और एफआईआर हुई है तो उस पर हो रहा नहीं, विधिक रूप से आप जाइए, लेकिन फिर कुछ संगठन खड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे प्रेम जी, कैसे लड़ेंगे इनसे? मैं कहूंगा वो संगठन को खड़े होने दीजिए, आपको किसका डर है? खड़े हो रहे ना प्रजातंत्र में, रोज खड़े हो रहे। देखिए, प्रजातंत्र में एक बार वोट देकर आपने सरकार को बहुमत दिया है, अब वो सरकार का काम है कि उस बहुमत को वो आगे ले जाए और जो डिसीजन लेना है ले। इतना आसान है? इन छोटे मोटे एलिमेंट्स में इत्तफाक नहीं रखता मोदी जी की बात से, इतना आसान नहीं होता डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हम वोट देके सरकार चुनते हैं। डेमोक्रेसी में आपने सरकार चुनने का अधिकार दिया है, वो सरकार बहुमत से चुनी गई है, वो अल्पमत की सरकार नहीं है। आपने एक बार चुनकर उनको अधिकार दे दिया, अब उनको अधिकार है डिसीजन लेने का। अब आपको 5 साल बोलने का अधिकार नहीं है। जी, आप जो है, जब आप अगली बार लोगों से, मुझे लगता है आपने अपनी बात कह दी है। नहीं, कह तो दी है, लेकिन आप उस बात को खंडन किस प्रकार से कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल बताइए ना किस बात, क्या लॉजिक क्या आपका खंडन करने? मुझे बोलने दिया जाए, मैं कर रहा हूँ। ये जो ये लोकतंत्र जो होता है, हम जब जनता सरकार चुनते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी शुरू होती है, खत्म नहीं हो जाती कि हमने वोट दे दिया और 5 साल तक बैठे रहे। इस देश में जयप्रकाश नारायण जी नारा दे के गए हैं, लोहिया जी बोल के गए हैं, सरकार जो है, जनता जो है सोती नहीं है, सोने के लिए नहीं है कि हमने वोट दे के हम सो जाना है, इसके लिए नहीं होती है, सजग होती है जनता, करेक्ट करती है, सरकारी आत्मनिरीक्षण करती है, कानूनों को भी देखती है, आंदोलन का अधिकार है, प्रदर्शन का अधिकार, सब संविधान के तहत है, ये नहीं, उससे हट के हम कुछ नहीं करते। ये चीज आंदोलन का अधिकार है, आंदोलन का अधिकार है, प्रदर्शन का अधिकार है, आपको बसें जलाने का अधिकार नहीं है,
आपको सड़कें रोकने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है आपको, अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है आपके। अभी तक आपने मेरी बातों को क्रॉस नहीं किया, आपने नई बात रख दी उसमें। नहीं, नई बात नहीं है, आप जो कह रहे हैं अधिकार, कुछ जो आप अधिकार ऐसा लेने लगे कि जिसमें देशद्रोह सामने आ जाए, तो वो जो है ना अधिकार नहीं होते। दूसरी बात देखिए, इन चीजों से हटके मैं एक अलग बात कहना चाहता हूँ, वो सुन लीजिए चूंकि समय भी कम होता है। वो ये है देखिए कि हर दुनिया में हमारे सेना के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कुछ माना गया है लोकतंत्र है। सैनिक शासन को आज भी दुनिया नहीं पसंद करती है, इस बात को आप सब मानेंगे, क्योंकि हमारे देश में भी जो ढांचा है उसमें आतंकवाद को खत्म करने का निर्णय कौन करेगा? सरकार करेगी। सेना क्या करेगी? सरकार के डिसीजन को कॉल जब लेती है सरकार, तो उसका पालन करती है ईमानदारी के साथ। ये बेसिक बात समझने की जरूरत है। सेना आतंकवाद का खात्मा सेना नहीं करती है, आतंकवाद का खात्मा सरकार करती है, और सरकार और सेना में समन्वय और तालमेल जो है वो जरूरी होता है। ये पूरा देश है, हम नागरिक हैं। और दूसरी बेसिक बात क्या है कि जब हम सैनिक, सेना अपनी जनता के बीच जब डिप्लॉय की जाती है ना, तो डेमोक्रेसी उसी दिन हार जाती है। अपनी जनता के बीच में जब सेना को अपनी जनता पर गोली चलाना पड़े, तो ये डेमोक्रेसी की हार हो जाती है। ये मैं बेसिक बात कहना चाहता हूं, चाहे इसका विश्लेषण आप जिस इसीलिए तो प्रेम जी, इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि इतना आसान नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब भी पता होना चाहिए, वही चुनी हुई सरकार का मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छी से आजादी चाहिए। काम सेना के माध्यम करवा रही है, तो आपकी विपक्षी पार्टी जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने सेना अध्यक्ष को क्या कहा? गली का गुंडा। ये कहा कांग्रेस पार्टी, ये आजादी है। आप बताइए ये आजादी है? ये कौन सी आजादी है? आप कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, आप सुने? नहीं, आपने कहा, कैप्टन आई, आपके आपकी पार्टी के लोगों ने कहा कि गोली मरवा दो, जिंदा दफना दूंगा। ये किसने कहा कैप्टन आई? अगर आप भी राजनीति कर रहे हैं आजादी के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, आप नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि सड़क छाप गुंडा बताया, तो ये बात कहां से आ गई कि गोली मरवा दो? ऐसे लोगों को देखते ही गोली मरवा दो जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंच रहे, गोली इतनी आसान है सर गोली मरवाना? कितने लोगों को पाकिस्तान भेजा है सर? बार बार ये बातें अगर आती हैं, देखिए समझना होगा आतंकवाद का मूल कहां है, हिंसा। हिंसा कब होती है? झंझुलाहट हो, क्रोध हो, किसी बात को लेके आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो एक इंसान को बार बार अगर आप टीज करेंगे कि पाकिस्तान भेज दो, बांग्लादेश, कितने लोगों को भेजा सर, लेकिन बार बार बोलेंगे, तो उसको ना किसी दिन उठा के, किसी दिन दिमाग खराब रहा ना, जैसे कल कोई पैनलिस्ट बैठ के ये कह रहे थे कि बालियान साहब के साथ इतनी बार ये चीजें हो गई ना कि जोश जोश में उन्होंने कह दिया, मतलब जोश जोश में आप कह दे तो सही, और जोश जोश में कोई बोल दे कि भाई आप मुझे बार बार कह रहे थे तुम चोर हो चोर हो चोर हो, तो मैंने चोरी कर ली। यही स्थिति मत बनाइए सर, बहुत खतरनाक है। बॉर्डर से ज्यादा आज हमारा देश बाहरी तौर पर बहुत मजबूत है, आज ही नहीं पहले से भी था सर, आज आपने छूट जरूर दी, लेकिन अंदरूनी लड़ाई हम हार रहे हैं। मनोज तिवारी, बात अगर आज मैंने पूछा, कम से कम आप मानेंगे ये चीज कि अगर वहां लोग बोलते हैं, उस पार्टी के लोग सत्ता पक्ष में बैठते हैं, तो ज्यादा जिम्मेदार है कि इस तरह के भाषण नहीं देने चाहिए, लेकिन आपके यहाँ के पार्टी लीडर क्या कर रहे हैं? क्या एक तरफ बताती है प्रियंका गांधी जाती है मिलती हैं, और कैसे डिसाइड करते हैं सर आप लोग कि ये आपकी नजर में ये बंदा जो नारे लगा रहा है ये सही है, ये जेएनयू में जो हुआ ये सही, आप डिसाइड कर लेते हैं? देखिए श्वेता जी, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, दरअसल अब अपना अपना देखने का नजरिया है और उस पर कोई आछे डिसाइड कैसे, कहने दीजिए मुझे कौन सही है कौन, मुझे कहने दीजिए। मुझे लगता है कि भारत का कोई भी राजनीतिक दल सबसे पहले भारतीय नागरिक है और भारतीय नागरिकों का संगठन है। आप अगर बैठ करके किसी दल को टारगेट करना चाहे कोई भी हो शुरू करे, तो उस पर आप मूल चीजों पर नहीं जा सकते। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि भारत से आतंकवाद को खत्म करने के लिए मैं बिल्कुल जनरल साहब की बातों से इत्तफाक रखता हूं कि हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि हमको आतंकवाद को मिटाना है। मैंने क्या बोला? ये दुनिया का नासूर है, इस नासूर को खत्म करने के लिए आप जितनी मैं रोकूंगी, मैं, आप डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं जो गुरमीत सिंह ने कहा। नहीं, पूछ रहे सुनिए, मैं ये कह रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझे समझा लें क्या है। आप अंदरूनी आतंकवाद की बात कीजिए ना, राष्ट्रवाद का नारा लगा करके आप राजनीतिक आक्षेप के साथ अपनी जिम्मेवारियों से भागने की कोशिश मत करिए। बिल्कुल नहीं, हमारी जिम्मेवारियों से भागते हैं।
आप जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं, आप जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं, आप जनरल साहब बैठे हैं, देशद्रोहियों के देश की सेना को पता है किनसे निपटना है, देश के लोगों को नहीं पता है कि किनसे 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 निपटना है। देश की सेवा की है वर्दी पहन करके और पूरे हिंदुस्तान में मनोज जी स्वतंत्रता के बाद क्या कर रहे देश की सेना क्या कर रहे देश की सेना पर देश में कभी देश के एक नागरिक ने भी डाउट किया है? आप लोगों ने डाउट किया है? आप लोगों ने डाउट किया है? आप सेना की स्वरता को गली का गुंडा कह रहे हैं? आप बार बार ये कह रहे, सुनिए पहले मैं आपको बता, बार बार क्यों आपने बार बार कहा है? डील कर रहे हैं, बार बार यही सब हो रहा है। ऐसे नहीं, 2015 सुनिए, 2015 हमारे लिए शर्म की बात है, हर भारतीयों के लिए शर्म की बात है। 2015 से 2017 तक 1094 आतंकवादी घटनाएं हुई। गलत कह रहे हैं आप, अगर आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, चला जाओ, आतंकवाद खत्म हो चुका है। अरे सुनिए, अरे आतंकवादी आतंकवाद पूरे भारत में था, आज आतंकवाद हमारे खत्म हो चुका है। आप गलत कह रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आपके कोई आंकड़े नहीं है, ये गलत आंकड़े आप पेश कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। बस बस, बहुत टाइम का बस, मैंने ये पास टाइम नहीं लेके आ रहे हैं, गुरमीत से कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हैं? बस बस, मनोज जी और कैप्टन आई, प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए आज नहीं जवाब क्यों नहीं लेना आप डिरेल करना चाहेंगे तो मैं नहीं करने दूंगी ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त की कमी है, लिमिटेड है। आपको आईना दिखा रहे हैं, आवाज डाउन कीजिए गुरमीत जी, श्वेता जी सब पॉइंट रखे शॉर्ट में, श्वेता जी बस यार, बस बस बस, श्वेता जी डाउन है, डाउन है मनोज जी, श्वेता जी, श्वेता जी डाउन है, श्वेता जी आवाज डाउन है मनोज जी, श्वेता जी भूमि जी, श्वेता जी आप बोलिए सर, श्वेता जी, श्वेता जी, श्वेता जी देखिए ये क्षण है 71वें गणतंत्र का, 1971 की याद दिलाता है, तो मैं एक सैनिक होने के नाते अपने पूरे भारतवासी को हिंदुस्तान की फौज के 5 पॉइंट बताता हूं। सबसे पहली, ये आपकी सेना है, सही। पहली बात। दूसरा, हरेक चीज में नेशन फर्स्ट और वन नेशन है। तीसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सेक्रेड है, पवित्र है। और चौथी बात है, डेमोक्रेसी में हम विश्वास रखते हैं। और पांचवी बात यह है कि हम अपॉलिटिकल, सेक्युलर और प्रोफेशनल है। देखिए, आपका मुद्दा बहुत पसंद आया, R9 नई टीवी चैनल है और आपने शुरू में ही एक इतना सुंदर मुद्दा लिया है, वो भी नेशन फर्स्ट का, वो भी इस वक्त में जब बाकी चैनल बात कर रही हैं अलग अलग चीजों की, लेकिन आपने बात उठाई है कि हमारे भारत को टेररिज्म से मुक्ति चाहिए, और यह मुक्ति का जो केंद्र बिंदु है ना, ये पाकिस्तान आर्मी, ISI और टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करके, इससे तो सर निपटने में सेना हमारी आर्मी सक्षम है सर, अब तो खुली छूट मिल गई है, इसीलिए देश की जनता चिंता नहीं करती है। बीएन झा बहुत देर से सर, बीएन झा बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं कुछ, क्योंकि वक्त की कमी है बीएन झा, क्योंकि यहाँ पे मनोज जी को एक कंफ्यूजन पूरे शो के दौरान रहा कि हम आतंकवाद पे बात कर रहे हैं जो सिर्फ बॉर्डर की बात हो रही है। सर हम बाहरी आतंकवाद नहीं, हम भीतरी आतंकवाद की बात कर रहे हैं, जो बैठे ऐसे सेपरेट्स यहाँ बीच में हमारे हमारी जनता को गुमराह कर रहे हैं, और तरह तरह के बार बार मैंने प्रदायिक आतंकवाद हो, चाहे जातीय आतंकवाद हो, लिंग आधारित आतंकवाद हो, हर तरह की बातों को जिक्र किया, लेकिन मनोज जी आज नहीं सुन पाए। बीएन झा आपको क्या लगता है किस तरीके से इन दोनों आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है, देश के भीतर देश के बाहर? देखिए, आपने जो कुछ बातें रखी थी बीच में, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो भी चल रहा है CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, ये थोड़े अलग तरह से डील करना पड़ेगा, गोली मारने से नहीं होगा। और इस पे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा कहा था अपने सारे मंत्रियों को कि सारे अपने अपने फील्ड में जाओ और लोगों को जागरूक करो कि ये CAA है क्या। ये बहुत ही अच्छा कहा है, और यही चीज मैंने शुरुआत की थी कि अज्ञानता और ये जो संभावनाएं जो पैदा करती हैं लोगों को, जो एक गलतफहमी पैदा की है, उसके अगेंस्ट में लोगों को जागरूक बनाना बहुत जरूरी है। और ये जान लीजिए, देखिए भारत में लगभग 20 करोड़ मुसलमान हैं, उसमें से ज्यादातर लोग बहुत शांति प्रिय हैं, वो एब्सोल्युटली नेशनल है, वो देश प्रिय हैं,
सिर्फ मुट्ठी भर लोग जो हैं जो कि अभी कुछ चीजों को भुना रहे हैं। चलिए, तो इसीलिए ये चीज जान के चलिए कि आप जो अच्छी बातें कहिएगा लोग उसको ग्रहण करेंगे। वो और बिल्कुल, मुझे बिल्कुल देश की जनता यही है और यही हमारे देश की खूबसूरती है। लाख बाहरी और अंदरूनी ताकत चाह ले, लेकिन हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। ओमवीर सिंह मैं नहीं आ पाई सर, क्लोजिंग के लिए मुझे बार बार सर माफ कीजिएगा। ये ऐसी बात है ना, इस पे तो बात निकलती है तो निकलती चली जाती है, लेकिन मुझे क्लोजिंग के लिए बार बार बोला जा रहा है तो माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ क्लोज करना पड़ रहा है। सभी जो गेस्ट हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हम 71वां गणतंत्र मनाने जा रहे हैं। तो विनोबा भावे के उन पंक्तियों के साथ यहां पर खत्म करूंगी, उन पॉजिटिव लाइन कि अगर हिंसा का रास्ता कोई भी देश की जनता अपनाती है तो सर्वनाश होगा, और अगर हम सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे तो वो देश जो है वो उसका विकास होगा। आखिरी पंक्ति में खड़ा कोई व्यक्ति जो है ना उसका भी विकास होगा। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। हमें हर तरह के आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है और हम भारतीय इसमें सक्षम है, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। इसी पॉजिटिव नोट के साथ बस आज इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए। आजादी।